कर्टन्स हटाते हैं और देखते हैं यहाँ का व्यू। नहीं ही आएगा वैसे, जो बच्चे सब मिलके करते हैं कैंपस और आउटसाइड कैंपस में अंतर क्या है, तो कोई अंतर नहीं है, बस मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है अंतर। रेनी सीजन रहता है, अरे साला एक पर्सनल गाड़ी आता है लेने के लिए। मे भी यही सब चीजें होती है। सो दो चार क्लिप मैं यहाँ पे बी रोल के फॉर्म में लगा दूंगा कि हॉस्ट। सो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है राहुल ट्रेजरी यूट्यूब चैनल पे, और आज के इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं अपना खूबसूरत सा हॉस्टल का हॉस्टल टूर। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आउटसाइड हॉस्टल में हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार का है। सो इसका ब्यूटी देख सकते हैं, और ये है मेरा रूम। और यदि आप अभी क्लास 12th पास आउट किए हो और आप लोग सोच रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही आने का, नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी जाने का, तो हॉस्टल, सबके हॉस्टल लाइफ लगभग सेम ही रहता है। कॉलेज लाइफ से आपका एक्सपेक्टेशन पूरा हो या ना हो, हॉस्टल लाइफ से तो जितना एक्सपेक्टेशन लेके आओगे उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। वैसे ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का हमारा हॉस्टल के बाहर का सीन। और कुछ यहाँ हम लोग हैं मोहाली सेक्टर 99 में, सो यहाँ से इंटरनेशनल स्टेडियम 5 किलोमीटर के दूरी पे है, और ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आउटसाइड हॉस्टल। सो जो भी आदमी को डाउट हो, CU का इन हॉस्टल 11 11 फ्लोर का है, और कुछ इस प्रकार से इसका एंट्रेंस है। वहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाएगा, और ये वाटर कूलर, और ये रहा हमारा रूम 508। सो चलिए रूम के अंदर चलते हैं और रूम टूर देते हैं आप लोग को। यदि आपको कोई डाउट हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो ये रहा हमारा रूम। सो चलिए खोलते हैं, और ये देखिए कुछ इस प्रकार का रूम है, और अपने एंड से पूरा साफ सफाई कर रखे हैं। सो ये बेस्ट रूम बॉयज हॉस्टल का हो सकता है। वैसे इस फ्लोर का सबसे गंदा रूम हमारा ही रहता है, लेकिन अभी सब ऑर्गेनाइज वे में है। सो सबसे पहले एंट्री मारते ही आपको दो हैंगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और दो ही कुर्सी मिलता है, वैसे एक पता नहीं एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। वैसे ये 2 सीटर रूम है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दो बेड मिल जाएगा, और वही दो अलमीरा मिल जाएगा। और ये पहले इस साइड रखा हुआ था, तो काफ़ी रूम लगता था, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया हो गया था। तो अब आप लोग देख सकते हो रूम। सो यहाँ पे दोनों का स्टडी जोन है ये, और अंदर वाले हॉस्टल में यहाँ पे स्टोरेज का के लिए ये भी दिया हुआ रहता है नीचे भी, और एक गोदरेज भी आप लोग को मिलेगा अंदर के हॉस्टल में, बाहर के हॉस्टल में ऐसा मिलता है। सो ये रहा, इसके अंदर आप लोग अपना सामान रख सकते हो, और अटैच वाशरूम जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इन हॉस्टल कैंपस में नहीं दिया जाता है। सो यहाँ पे आपको एक मतलब पर्सनल फ्लैट वाली फीलिंग आपको आने वाली है। सो यहाँ पे कर्टन्स देख सकते हो, और ये जब कर्टन इधर से हटेगी तो व्यूज यहाँ पे, यदि जिस दिन रेनी सीजन रहता है पंचकुला दिखता है यहाँ से, काफ़ी पहाड़ वहाँ है, तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पंचकुला नाम का जगह है जहाँ पे काफ़ी पहाड़ रहता है, और हाइजेनिक का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है। डेली साफ सफाई होती रहती है हमारे हॉस्टल में, लेकिन मैं ताला लगा के यूनिवर्सिटी जाता हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा सा गंदा होगा। वैसे सैटरडे संडे तो साफ साफ करवाता हूँ रूम। वैसे रूम का हालत बेटर है, जैसा बॉयज हॉस्टल रहना चाहिए वैसा बिल्कुल है। और देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट करते के साथ ही एडिटिंग जोन भी है, और ये हमारा छोटा सा, इसको कह सकते हैं ऑफिस टाइप का। सो यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हो, और यहाँ पे अच्छा अच्छा वीडियो भी शूट हो सकता है, ग्रीन स्क्रीन भी यूं रिमूव होगा इसमें। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चार्जर पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है, और थोड़ा सा मेरे रूममेट को इसमें लॉस हो गया है, क्योंकि यहाँ ये मेरा रूम बेड है, और इसके अंदर वाईफाई भी आता है, जो कि वहाँ रहा वाईफाई, इसके हल्का सा नीचे करके, हाँ देखिए वो रहा वाईफाई, और स्पीड एकदम अनलिमिटेड है, इसीलिए रिचार्ज भी नहीं कराते हैं। सो चलिए अब कर्टन्स हटाते हैं और देखते हैं यहाँ का व्यूज। सो इधर आप लोग को बालकोनी मिल जाता है, और ये देखिए वहाँ पे पंचकुला है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब रेनी सीजन रहता है, अरे साला इसके अंदर कबूतर है, अभी इसके अंदर कबूतर रहता है, और कभी कभी
बच्चा उच्चा दे देता है तो काफ़ी दिक्कत होता है, अभी भाग नहीं रहा है, और जैसे ही इधर जाएंगे आ जाएगा, भाग जाएगा। पता नहीं, काफ़ी खतरनाक ये खेल है। इस साइड कबूतर मेरे बालकोनी में पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा रहते हैं और किसी के बालकोनी में नहीं रहते हैं। सो ये रहा हम लोग का बालकोनी, देख सकते हैं, और यहाँ से मनमोहक कर देने वाला दृश्य देख सकते हैं। और ये एक कूलर भी आप लोग को दिया जाता है, और देख दिख गया। और बस आप लोग कुछ इंडक्शन वगैरह रख नहीं सकते हो, लेकिन स्पेस दे रखा है। और ये है वॉशरूम, और वॉशरूम के अंदर पर्सनल गीजर भी लगा हुआ है, तो आपको पूरा फ्लैट वाला फील यहाँ पे आने वाला है। ऊपर में हम लोगों ने अपना सामान रख रखा है, और ये हॉस्टल में बस कुछ ही दिन अब रहना है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लासेस सब खत्म हो गया है, अब प्रैक्टिकल देना है और एग्जाम देना है, और फर्स्ट ईयर डन, खत्म हो जाएगा। वैसे और फैसिलिटीज़ की बात किया जाए तो हॉस्टल का खाना आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा, एक टाइम का लंच जो है वो अंदर जाकिर में रहता है। और इन हॉस्टल कैंपस की यदि बात करें तो दो टाइप का हॉस्टल है, एक है जाकिर और एक है एनसी नेकचंद। सो 11-11 फ्लोर का है, और इस मतलब अपने सिटी हॉस्टल में अभी 95 स्टूडेंट हैं, और काफ़ी स्पेसियस है ये हॉस्टल। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। सो सबसे पहले, यदि आपको जरा भी डाउट है कि हॉस्टल लेना चाहिए या फिर पीजी लेना चाहिए या फिर फ्लैट लेना चाहिए, तो बिल्कुल हॉस्टल लेना चाहिए। क्या सस्ता कौन सा चीज़ें पड़ेगी, तो तीनों ही लगभग इक्वल ही पड़ेगा, और हॉस्टल में आपको कुछ भी चीज़ का हैक्टिक नहीं रहेगा। वैसे आप यदि फ्लैट लेते हो तो आपको खाना बनाना पड़ेगा या फिर कहीं बाहर खाना पड़ेगा, वो बिल्कुल भी मतलब बहुत दिमाग का ओझल काम हो जाएगा। मेरे बहुत से फ्रेंड फ्लैट में रहते हैं और बहुत मतलब बहुत वो है। सो इनसाइड कैंपस और आउटसाइड कैंपस में अंतर क्या है, तो कोई अंतर नहीं है, बस मेरे पीछे जो दिख रहा है वो अंतर है। इसमें अटैच वॉशरूम रहता है, अंदर वाले में कॉमन वॉशरूम रहता है, और थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है। और अंदर आपको 3-सीटर रूम मिलता है, 4-सीटर रूम मिलता है, 5-सीटर रूम मिलता है, और ये डबल सीटर रूम है, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं 2 बेड और 2 अलमीरा है। सो यदि यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो 25 किलोमीटर है, और ये वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे एडमिशन मत ले लेना, फिर सुबह सुबह उठना पड़ेगा, तो फिर यही कमेंट बॉक्स के DM में आके गाली दोगे कि भाई साहब कहाँ एडमिशन ले लिए, सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो हाँ, एक छोटा सा डिसिप्लिन भी आ जाएगा। और आज था टसन नाइट, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिसको DJ नाइट कहते हैं, और हम सब हॉस्टल वाले गए नहीं वहाँ पे। वैसे एक पर्सनल गाड़ी आता है लेने के लिए, लेकिन ठीक है, क्या ही। वैसे बहुत इंस्टाग्राम पे मिथ भी रहता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मतलब अय्याशी का अड्डा, थे स्टैट, वैसा कुछ भी नहीं है गाइस। मतलब हाँ, आपको अंदीना यदि कोई फेस्ट देखोगे उसमें मज़ा आपको आ सकता है, फेस्ट वेस्ट में कोई मज़ा नहीं आएगा। मतलब पर्सनली हम भी फेस्ट में पहला दिन तो गए ही नहीं थे, दूसरा दिन भी बस ऐसे ही नाम के चले गए थे, वैसे कुछ होता नहीं है। ऐसे नॉर्मल जो नॉर्मल होता है, जैसे कि बिहार दिवस मनाया गया था, उसमें आपको मज़ा आएगा। कुछ 2-4 क्लिप लगा दूंगा, एक दिन भटकते भटकते ऐसे ही डी मतलब मेन ऑडिटोरियम में चले गए थे, वहाँ प्रोग्राम हो रहा था, वो अच्छा लग रहा था। वैसे आपको मज़ा नहीं आएगा, मतलब या हमको नहीं मज़ा आता पर्सनली, या फिर आपको नहीं आएगा, नहीं ही आएगा। वैसे जो बच्चे सब मिलके करते हैं उसमें मज़ा आएगा, लेकिन ये फेस्ट वेस्ट सब मोह माया है। हाँ, यदि यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आना चाहते हो तो बस पढ़ने के लिए आओ, इसके बाद कुछ भी नहीं। इन लोगों ने पूरा स्कूल बना रखा है गाइस, आओ असाइनमेंट करो भाई, कॉपी चेक कराने के नंबर मिल रहे हैं, कॉपी चेक कराने के। सो क्या हॉस्टल में मज़ा आता है? सो यदि आप लोग जूनियर हो और ये वीडियो देख रहे हो कि कैसा हॉस्टल लाइफ आप लोग का होने वाला है या फिर कैसा हॉस्टल लाइफ होता है, तो पता नहीं लाइट कटते ही शोर मचने लगता है, 1-2 बजे रात को कोई उठ के एकदम कॉरिडोर में चिल्लाने लगता है। सो वो सब कांड तुम्हारा भाई तो नहीं करता है, वैसे 2-4 प्रैंक हम भी इतने तगड़े हॉस्टल में कर चुके हैं कि बाद में उसको बताया ही नहीं कि प्रैंक था, उसको सीरियसली दबाया गया। मतलब
यह वीडियो में भी नहीं बताऊंगा कि वो कौन कौन से प्रैंक थे नहीं तो। और यदि वीडियो कम पड़ जाएगा हॉस्टल लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, और कोई भी ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं होगा जो कि हॉस्टल लाइफ एक्सप्लोर कर सके। और या में भी यही सब चीज़ें होती है। सो दो चार क्लिप मैं यहाँ पे बी रोल के फॉर्म में लगा दूंगा कि हॉस्टल में क्या क्या मज़े आते हैं। वैसे दो चार प्रैंक तुम्हारे भाई ने भी एकदम तगड़ा लेवल का कर रखा है, जो कि वीडियो में ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो पता चला सस्पेंड वस्पेंड तुरंत लेटर वेटर आ गया। तो सीयू का ये 5 स्टार हॉस्टल कह सकते हैं इसको। सो काफ़ी अच्छा व्यू आप देख सकते हो, और मेरे रूम में पूजा पाठ भी होते रहता है। सो यही था आज का कुछ हॉस्टल टूर। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर IIT पटना BSc कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो देर किस बात की, चलिए बाय, गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो ये हो सकता है कि कॉलेज, नहीं बाय, अभी नहीं बताऊंगा भाई।